ये क्या हो रहा है? विंध्याचल पर्वत तो बढ़ता ही जा रहा है। हिमालय से भी महान, पर्वतों में महानतम विंध्याचल पर्वतों में सूर्य की किरणें भी मुझे पार नहीं कर सकती। मुझे विंध्याचल पर्वत को नियंत्रण में लाना ही होगा। विंध्याचल पर्वत ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि उन्होंने सूर्य देव की किरणों को भी बाधित कर दिया। हाँ गणेश। तब ऋषि अगस्त्य ने फिर क्या किया पिताश्री? विंध्याचल पर्वत का कर्तव्य तो अपनी विशालता से यहाँ के वासियों की रक्षा करना है, किंतु वो इन लोगों के साथ शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। यही परिणाम होता है अहंकार का। ये सब क्या हो रहा है? हमारा जीवन संकट में है। इन शिलाखंडों की वर्षा से हम अपनी रक्षा कैसे करें? हमारे तो परिवार नष्ट हो जाएंगे। पिताश्री, हमारी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कहाँ जाएं, किधर भागें? कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। जो अपनों से ही अपनों को पृथक करता है, रक्षक से भक्षक बना देता है। विंध्याचल पर्वत के इस विशाल आकार से हम सब नष्ट हो जाएंगे। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, भागो भागो, रक्षा करो, अपने अपने प्राणों की रक्षा करो, भागो भागो, रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा कीजिए। ये शीत तो असहनीय है। स्वामी, शीत का प्रचंड प्रकोप हो रहा है यहां। विंध्याचल पर्वत ने सूर्य की किरणों के साथ उनकी उष्णता को भी यहां आने से रोक दिया है, इसीलिए इस क्षेत्र का तापमान गिरने लगा है। यदि ऐसा ही रहा तो यहां सर्वत्र हिम का प्रभाव हो जाएगा। किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं, किंतु मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। विंध्याचल, 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 पर्वतों में अतुलनीय महानतम पर्वत हूं मैं। मेरा नाम पुकारने का दुस्साहस किसने किया? ये सूक्ष्म बिंदु के समान खड़ा होकर कौन पुकार रहा है मुझे? मैंने पुकारा। ऋषि अगस्त्य यहां? ऋषि अगस्त्य यहाँ, जिनका सम्मान देवता ही नहीं त्रिदेव भी करते हैं, आज स्वयं मेरे निकट पधारे हैं। धन्य हुआ मैं। सावधान विंध्याचल, कहीं कोई भूल ना हो जाए। अहंकार में इतना डूब गए तुम कि अपने गुरु को प्रणाम करना तक भूल गए। कैसे हो गया तुमको इतना अहंकार? ये कैसी भूल हो गई मुझसे? मुझे क्षमा करे गुरुवर, आप मुझे दिखाई नहीं दिए। जब दंभ में किसी का शीश आकाश से भी ऊपर उठ जाता है तो उसे स्वयं के महानतम होने की भ्रांति हो जाती है और तब उसे दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। विंध्याचल, क्रोध में कहीं गुरुदेव मुझे शाप न दे दे। मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर, क्षमा कीजिए। विंध्याचल का अहंकार नियंत्रण में तो आया, गुरु का सम्मान किया इसने, इसलिए दंड नहीं दूंगा इसे, किंतु मुझे इसके अहंकार का स्थायी उपाय करना होगा। सूर्यदेव की किरणें पुनः यहाँ पहुँच रही हैं और शीत का प्रभाव भी मिट रहा है। विंध्याचल पर्वत भी झुक गया है। हम सब सुरक्षित हैं, हमारा परिवार भी सुरक्षित है।
पिताश्री, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को झुका तो दिया, किंतु उनके वहाँ से हटने पर पुनः पर्वत का अहंकार जागृत ना हो उठे, ये सुनिश्चित करने का क्या उपाय था? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ऋषि अगस्त्य ढूंढ चुके थे पुत्र। उपाय ढूंढ चुके थे, किंतु क्या उपाय किया होगा ऋषिवर ने? प्रणाम ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल को विनम्रता से स्वीकार करने वाला ही महान होता है। मैं दक्षिण की यात्रा में हूँ, जब तक मैं वहां से वापस न लौटूं, तुम्हें इसी अवस्था में यथावत रहना होगा। जो आज्ञा गुरुवर। अद्भुत, कितनी बुद्धिमानी से ऋषिवर अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत के बढ़ते दंभ को नियंत्रण में ले आए। हाँ पुत्र गणेश, उस दिवस के पश्चात ऋषि अगस्त्य भी देवी लोपामुद्रा के साथ दक्षिण में ही स्थित रहे, जिससे विंध्याचल पर्वत का शीश सदा प्रणाम मुद्रा में झुका रहे और पुनः संसार के लिए कोई संकट ना उत्पन्न कर सके। महादेव, ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल पर्वत को उचित सबक सिखाकर न केवल स्वयं का मार्ग प्रशस्त किया, वरन भविष्य के लिए उपज रहे एक संकट को भी दूर कर दिया। हमारे मार्ग में भी कोई बहुत बड़ी बाधा आने वाली है, ये मेरी दुश्चिंता है महादेव, मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जलचरों का ऐसा निर्मम संहार, उनके ये अवशेष किसी भयंकर शत्रु के उपस्थित होने के संकेत हैं। किंतु कौन आ सकता है यहाँ, किसका दुष्कृत्य हो सकता है ये? अवश्य कोई परभक्षी घुस आया है यहाँ। जो भी है, हमें उसे ढूंढकर उसका अंत करना चाहिए। उचित है, फैल जाओ यहाँ, ढूंढो उस परभक्षी को। अपने जलचरों की रक्षा का दायित्व तो हमें निभाना ही होगा। ये चमकीला क्या है ये? देखना पड़ेगा उस चमकीले को। कौन है वहां? किसके नेत्र देख रहे हैं मुझे? बड़ा आहार। Yeah.
तो कोई विचित्र शिशु है। इसी दुष्ट ने हमारे सागर के शांत जल में मृत्यु का आतंक फैलाया है। वध कर दो इसका। नीचे क्यों कर रही हो? देखो ना इसे, निरीह है, शिशु मात्र ही तो है। कदाचित इसके माता पिता ने इसका त्याग कर दिया और भूख लगी है इसे। कदाचित इसीलिए ऐसा क्रूर व्यवहार कर रहा है ये। किंतु इसमें इसका दोष नहीं, जल की नींद का आहार कर अपनी भूख ही तो मिटा रहा है। हम इसका वध नहीं कर सकते। नहीं, ये उचित नहीं। हमें नहीं ज्ञात ये कैसा जंतु है। नींद तो कदापि नहीं है, किसी प्रकार का जलचर भी नहीं है। सागर में इसका कोई स्थान नहीं, इसलिए इसे हमें नष्ट करना होगा। रुक जाओ, मेरे रहते कोई इसे हानि नहीं पहुंचा सकता। एक निर्दोष असहाय शिशु का वध करने का विचार भी कैसे कर सकती हो तुम? आओ शिशु, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और आज से तुम्हारा नाम होगा जलंधर। जलंधर, जलंधर। उचित है, ध्यान तो तुम्हारा रखेगा ये जलंधर। अब तुम सुरक्षित हो, भयभीत मत हो। तुम सब मेरे भोजन बनोगे। तुम भी, तुम भी, तुम भी। सागर के भीतर महादेव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न एक महासंकट के होने का आभास मेरी चिंता बढ़ा रहा है। तो क्या पिताश्री, ऋषिवर अगस्त्य के दक्षिण पहुंचने पर माँ लोपामुद्रा नदी में परिवर्तित हुई? नहीं पुत्र गणेश, वो अवसर अभी नहीं आया था। अभी तो ऋषि अगस्त्य दक्षिण की ओर जा ही रहे थे और मार्ग में। क्या हुआ दक्षिण के मार्ग में पिताश्री? कर हमें देख रहा है। वाह वाह, उत्तम, अति उत्तम। देखो कितना गोल मटोल हृष्ट पुष्ट ऋषि है ये। बहुत समय से ऐसे किसी ऋषि का भोजन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इससे अपना आहार बनाकर हृदय तृप्त हो जाएगा। पिताश्री शीघ्र बताइए ना, मार्ग में ऋषि अगस्त्य और माता लोपामुद्रा के साथ क्या हुआ? उन्हें कौन अकस्मात मिल गए? वातापि, स्वामी हम यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम करेंगे। उचित है प्रभु, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं तब तक आपके लिए वन से फल लेकर आती हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी।
प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता। मैं वातापी हूँ, यहाँ के असुर राजा मेरे भ्राता इल्लवल हैं। मैं अपनी ओर से अपने भवन में आपका स्वागत करता हूँ। आइए ऋषिवर, हमारे भवन में विश्राम कीजिए। असुर राजा इल्लवल और उसका भाई वातापी दो क्रूर असुर भ्राता थे, जो अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ऋषियों और यात्रियों का वध करते थे। ऋषि अगस्त्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से पल भर में वातापी का सत्य ज्ञात कर लिया था। इल्लवल सर्वप्रथम इन भोले भाले ऋषियों और यात्रियों को भोज के लिए आमंत्रित करता था, फिर अपने भ्राता वातापी को अज रूप में बलि देकर इन अतिथियों को उसका भोजन कराता था। इल्लवल को यह वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी मृत जीवित का नाम पुकार कर उसे पुनर्जीवित कर सकता था। अपने अतिथियों को वातापी का भोजन कराकर इल्लवल कहता था, वातापी जीवित होकर बाहर आ जाओ, और उसका भ्राता जीवित होकर अतिथियों का उधर चीर कर बाहर आ जाता। तब ये दोनों उस मृत अतिथियों का धन हड़प लेते और उसके तन को अपना आहार बनाते थे। वातापी जीवित होकर बाहर निकलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा उदर फट रहा है। अब इसका धन भी हमारा होगा और इसका तन हमारा आहार बनेगा। आप आएंगे ना ऋषिवर? अवश्य, मैं तुम्हारे इतने स्नेहपूर्ण निमंत्रण को अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे और तुम्हारे भ्राता से भेंट करने तुम्हारे राजभवन अवश्य आऊंगा। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम माता। आओगे तो तुम अवश्य, किंतु बचकर जा नहीं सकोगे। तुम्हारे विकार का उपचार आवश्यक है। उत्तम, अति उत्तम, अमूल्य आभूषण। उचित रहा इसका भक्षण करके धन की पेटी का उठाकर हमारे राजकोष में जमा कर दो, शीघ्र। असुर राजा इल्लवल और उनके भ्राता वातापी ऋषियों का संहार कर उनके शरीर की मज्जा को अपना आहार बनाते थे। ये ज्ञात होते हुए भी ऋषि अगस्त्य ने वातापी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। हाँ पुत्र, दक्षिण की ओर जाते हुए जब ऋषि अगस्त्य अपनी पत्नी देवी लोपामुद्रा के संग असुर राजा इल्लवल के क्षेत्र में पहुंचे, वहाँ की प्रजा दुष्ट राजा इल्लवल के अत्याचार से आतंकित थी। अन्य सभी के उनके कष्टों से मुक्त कराना ऋषि अगस्त्य ने अपना कर्तव्य समझते थे। तो फिर ऋषि अगस्त्य ने क्या किया पिताश्री? मैं यहाँ के राजभवन होकर आता हूँ, आप यहीं रुकिए। स्वामी, आप नहीं चाहते कि मैं भी आपके साथ चलूं? वहाँ जो असुर प्रस्तुत करेंगे वो आपको प्रियकर नहीं होगा। चिंता का कोई कारण नहीं है, मैं शीघ्र लौटाऊंगा। आनंद, अति आनंद आया। राताश्री, आपकी प्रसन्नता का कारण मुझे समझ में नहीं आया। भ्राता, भ्राता वातापी, सैकड़ों मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य आभूषण प्राप्त हुए उस व्यापारी का भक्षण करके, और तुम कहते हो
उसकी प्रसन्नता का कोई कारण नहीं? किंतु हमारे भोजन योग्य नहीं था वो। इतना करिश्का है जैसे मात्र त्वचा और हड्डियों का ढांचा हो। मुझे तो किसी रसीले हृष्ट पुष्ट स्वादिष्ट ब्राह्मण का भोजन करना है, और ऐसा एक ब्राह्मण मुझे वन में मिल भी गया है, और वो इसी ओर आ रहा होगा। महाराज इलुवल, युवराज वतापी, महाराज आपसे ऋषि अगस्त भेंट करने आए हैं। स्वागत है आपका ऋषिवर। जब तक आप यहाँ हैं आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। हम संपूर्ण ध्यान रखने वाले हैं आपका। आशा करता हूँ मेरा ये आगमन आपके लिए भी उतना ही सुखद हो जितना मेरे लिए। सच्चे ज्ञानी तो वो होते हैं जो सामने वाले के व्यवहार से उसकी अच्छी और बुरी नीयत को समझ जाते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.